नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स कैसे ट्रेड कर सकते हो फ्राइडे के दिन। पहले हम बात करते हैं कि थर्सडे के दिन दोस्तों क्या हुआ। दोस्तों आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है, 50 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हुआ निफ्टी। उसके बाद मैंने जो कल लेवल्स बताया था कल के दिन कि ये अच्छा सपोर्ट बना है 17,109 और ओपनिंग तकरीबन हुई थी 17,090 के लगभग ये लेवल्स पे ओपनिंग हुई थी आज के दिन, ठीक है दोस्तों। 17,096 ये लेवल्स का जो सपोर्ट था अपने, उसके नीचे का जो सपोर्ट था हमारा वो होता 17,065। मार्केट उसके नीचे निकला पर उसके दूसरे कैंडल देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग बना के उसके ऊपर क्लोज हुई थी और यहाँ पर सस्टेन भी किया। सस्टेन करने का एक अच्छा बुलिश कैंडल बना था, इसके ऊपर चला गया 17,109। मैंने बोला कल इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 10-15 मिनट तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकता है और जो 17,206 तक जा सकता है ये लेवल्स से। परफेक्टली वही तक गया था जो कल का हाई है, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया। मैंने बोला था यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पर पुट का ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ से एक अच्छा पुट का पोजिशन बनती थी दोस्तों। ये जो कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये हम बात करेंगे। जो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है वो अभी भी यही लेवल से 17,206। 17,206 के ऊपर निकले और 15 मिनट सस्टेन करे दोस्तों, 15 मिनट्स यानी कि 5 मिनट की 3 कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज होने दीजिए। अगर तीनों क्लोज होती है, अगर वो तभी 17,225 भी चला जाए 200 से 25 पॉइंट भी उठ जाए वो तीन कैंडल में, देन ऑल्सो आपको ये यहाँ पर ही बाय करना है 225, ये ऊपर की रेंज में आपको बाय करना है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 17,206 का। ये स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो ऊपर की तरफ, और एल्स कल की SGX जैसे इंडिकेट कर रहा है 80 to 100 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप में 17,068 यानी कि 17,168 या फिर 17,170 ये रेंज में अगर आपको मिलती है कल निफ्टी ओपनिंग, ठीक है, और कुछ देर में वो 206 तक जाती है तो यहाँ पर आप पुट का पोजीशन ट्राई कर सकते हो। 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के पुट का पोजीशन यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। अगर आपका SL कटता है, 30 पॉइंट्स का SL कटता है तो आप पोजीशन शिफ्ट कीजिए, कॉल का पोजीशन लीजिए ये SL लगा के, ठीक है। सो डाउन साइड में और अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के 17,109 के ऊपर जाती है तो आप कॉल पोजीशन बनानी है। पुट हमें तभी बनानी है जब ये मेन सपोर्ट जो है 17,016 जो साइकोलॉजिकल विल भी है 17,000 ये लेवल अगर कल ब्रेक करती है गैप डाउन में या फिर इंट्राडे में ब्रेक करती है और सस्टेन करती है 10-15 मिनट तो हमें पुट साइड में हमें बैठना है। नीचे के लेवल्स आएंगे 16,850, यहाँ तक हमें टारगेट्स मिल सकते हैं नीचे के तरफ। दोस्तों ये रहा निफ्टी के बारे में, अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। दोस्तों कल के दिन हमने यहाँ पर बात की थी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो तीन बार सपोर्ट लिया था, कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि 39,800 यहाँ पर तीन बार सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने और यही से पलटा है। कल के दिन अगर ये लेवल के नीचे सस्टेन करे या फिर ये लेवल के नीचे निकलता है तो हम पुट साइड में बैठेंगे। दोस्तों गैप डाउन ही हो गया इसके नीचे, 39,841 के नीचे यहाँ पर गैप डाउन ही दिखा है, ठीक है, और 15 मिनट्स के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के इसके ऊपर निकल गई ये लेवल्स के ऊपर और एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ये इंडिकेशन था, ये बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर इंडिकेशन, यहाँ पर भी आप बाय करते हैं तो आपको एक अच्छी रैली मिली है। यहाँ पर एक रीटेस्ट किया अगेन यहाँ तक 40,200 तक मार्केट गया ये ग्रीन कैंडल के बाद भी आप एंट्री करते तो दोस्तों एंट्री करने का ये अच्छी कैंडल्स होती है। जब भी ऐसे आपको एंगल्फिंग कैंडल से फिर बड़ी बिग ग्रीन कैंडल मिलती है तो आप एंट्री ले सकते हो, पर इसमें एक ड्रॉबैक है कि आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ये इसकी लेंथ देखेंगे, इसकी लेंथ है मोर देन 100 पॉइंट्स से ज़्यादा की लेंथ है तो यहाँ पर आप बाई भी करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 100 पॉइंट्स का SL हो जाएगा। जो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं वही ऐसे कैंडल्स पे आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। सेफ ट्रेडर्स इसको अवॉइड कीजिए, ऐसे वाले ट्रेड्स को जिसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है ना, ये ट्रेड्स को अवॉइड कीजिए। और छोटा है स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 50 पॉइंट्स का, पर वो बैंक निफ्टी ईजिली कट कर देगी। ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया उसके बाद ही देखिए रेड कैंडल यहाँ तक रिटेस्ट करने ही फिर से ये लेवल तक आया था, तो जिन्होंने भी 50 पॉइंट 70 पॉइंट का SL लगाया उन सबका कट हो गया यहाँ पर SL। तो सो बैंक निफ्टी में SL आप लगाते हो जो ट्रेड करते हो ना तो SL का रेंज बड़ा रखिए, 250-200 पॉइंट्स का रेंज रखिए स्टॉप लॉस का, तब यह बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकता है। अगर 50-60 पॉइंट का आप लगाओगे तो विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स आपका SL कट हो जाएगा, इधर अपसाइड और इधर डाउन साइड। इसीलिए तो सो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो गैप अप होगा, गैप अप लग रहा है कि 39,900 इसके ऊपर ही गैप अप हो सकता है क्योंकि निफ्टी 100 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी उस हिसाब से 300 पॉइंट्स प्लस तो होता ही है। तो 639,615 की क्लोजिंग आई है तो अगर इसे हम 300 पॉइंट ऐड भी करें तो 39,915 ये लेवल्स आता है। तो 900 से 950 के बीच अगर ओपनिंग होती है
तो हमें इंपॉर्टेंट लेवल जो वॉच करना है वो है 40,000। 40,000 के ऊपर निकले और सस्टेन करे तो हमें बाय करना है, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 39,800 रहेगा, क्योंकि ये सपोर्ट था 39,800, इसलिए 39,800 को हमें स्टॉप लॉस लगा के हमें होल्ड करना। जो स्टॉप लॉस जो होगा 200 पॉइंट का होगा, 40,000 के ऊपर हमें एंट्री लेनी है और 39,800 हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर के लेवल टारगेट्स होंगे, आज का हाई 40,200, दिस इज द टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।